जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट थर्ड के लेक्चर नंबर 5 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकंड ईयर फिजिक्स के यूनिट थर्ड के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। अपना टॉपिक चल रहा था बीआरसी परिपथ के अंदर संधारित्र का आवेशन तथा निरावेशन के बारे में। आवेशन के बारे में हमने सारी कंडीशनों के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस कर रहे थे निरावेशन के बारे में। निरावेशन के बारे में भी हमने कंडीशन यहां तक फाइंड कर लिया था। हाँ, ये फैक्टर नहीं निकाला था हमने। ये तीनों फैक्टर क्या है भी अपने निकाल लिए थे। जो एक फैक्टर दिया हुआ है, इस फैक्टर को हमने नहीं डेराइव किया था। पहले तो उस फैक्टर को डेराइव करते हैं और आवेशन और निरावेशन के अंदर किस प्रकार का व्यवहार होता है, फिर उसको ग्राफ के माध्यम से व्यवहार उसके ग्राफ के ऊपर चर्चा करते हैं, उसके बिहेवियर के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, संधारित्र का अनावेशन के अंदर हमारा पॉइंट चल रहा था अभी धारा 6। भी अपने इसके अंदर जो एक इक्वेशन प्राप्त होती थी वो ये प्राप्त होती Q अपॉन C प्लस आई आर इक्वल टू जीरो। आई ये क्या हो जाएगा भी, आई आर इक्वल टू माइनस Q अपॉन C, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Q अपॉन आर सी, ये ही हो जाएगा आपका। ठीक है, एक जो फैक्टर होता है I इक्वल टू क्या होता है भी आपका, dq अपॉन dt होता है। dt माइनस q अपॉन आर से। ठीक है, q की वैल्यू क्या होती है भी आपकी, ये होती है, तो आप लगाओगे dq अपॉन dt। ठीक है, माइनस q0 e की पावर माइनस t अपॉन rc और rc dq अपॉन dt i है, इसको लिख सकते हैं भी अपने। और यहां से i0 इक्वल टू क्या है भी आपका, q0 अपॉन आर सी है, क्यू जीरो अपॉन सी क्या है भी, मैक्सिमम विभवांतर है, ई अपॉन आर हो गया, ये मानते हैं भी अपन। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई जीरो ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यहां से देखने से पता ये चलता है भी धारा का मान क्या है भी, उसके बराबर ही प्राप्त होता है। ठीक है, धारा का मान क्या है भी, दोनों कंडीशनों के अंदर क्या है भी, बराबर ही प्राप्त होता है। बट एक जो कमी प्राप्त होती है, ठीक है, और ये भी क्या होता है, टी बराबर जीरो के ऊपर है, धारा का मान क्या होगा भी, ये जीरो आई जीरो होगा, और टी बराबर इन्फिनिटी के ऊपर धारा का मान क्या होगा भी, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अपने इसको अच्छे से फाइंड कर लेंगे भी टी की, तो ये भी धारा का मान क्या होता है भी, चर घाता के रूप से क्या होती है भी, इसकी कमी होती है। कंडीशन क्या है भी, बस जो अनावेशन के समय धारा की दिशा होगी, और सॉरी अनावेशन के समय जो धारा की दिशा होगी और आवेशन के समय जो धारा की दिशा होगी वो एक दूसरे के विपरीत होती है। ये अपने डायग्राम के अंदर भी हमने डिनोट किया था, आवेशन के समय धारा इधर की तरफ जा रही थी, निरावेशन के समय धारा इधर की तरफ आ रही थी। वैसे डायग्राम के अंदर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो हो जाएगा। तो चार ही रिलेशन प्राप्त हुए। अब देखिएगा इसका जो ग्राफ बिहेवियर क्या है भी, ग्राफ के द्वारा देखते हैं। ग्राफ के ऊपर चर्चा करते हैं, ग्राफ के ऊपर चर्चा करते हैं भी। पहला तो देखते हैं आवेश Q तथा समय T के मध्य ग्राफ।
आवेश क्यू तथा समय टी के मध्य ग्राफ, वो किस प्रकार से ग्राफ प्लॉट होगा? ये देखिए, आवेश क्यू समय टी, स्टार्टिंग की कंडीशन, आवेशन की कंडीशन क्या है? भी ये है क्यू इक्वल टू क्यू जीरो ठीक है, जब टी बराबर जीरो हो क्यू की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? आपको पता ही है टी बराबर यहां पे जीरो पुट करेंगे e की पावर जीरो, वन वन माइनस वन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा भी जीरो प्राप्त हो जाएगा। टी बराबर इन्फिनिटिव रखेंगे e की पावर माइनस इन्फिनिटिव वन अपॉन e की पावर इन्फिनिटिव, e की पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव वन अपॉन इन्फिनिटिव जीरो, वन माइनस जीरो वन, और ये क्या हो जाएगा भी क्यू जीरो। बी आवेशन के समय क्या है? बी टी बराबर जीरो पे आवेश क्या है? बी जीरो है। और टी बराबर इन्फिनिटिव पे आवेश क्या है? बी क्यू इक्वल टू क्यू जीरो है। तो इस प्रकार से क्या है भी इसके आवेश के मान में वृद्धि होती है। ये हो गया भी आवेशन। निरावेशन की बात करें भी अपने q इक्वल टू क्यू जीरो e की पावर t अपॉन आर सी, टी बराबर जीरो पर आवेश क्या है भी आपका? t बराबर जीरो पे यहां पे e की पावर जीरो, e की पावर जीरो क्या होती है भी वन होती है, क्यू इक्वल टू क्यू जीरो, और t बराबर इन्फिनिटिव पे e की पावर माइनस इन्फिनिटिव, e की पावर वन अपॉन e की पावर इन्फिनिटिव, वन अपॉन e की पावर इन्फिनिटिव, वन अपॉन इन्फिनिटिव, वन अपॉन इन्फिनिटिव जीरो, तो ये क्या हो जाएगा बी क्यू इक्वल टू जीरो। बी टी बराबर जीरो की कंडीशन के ऊपर ये क्या होता है भी मैक्सिमम होता है, बाद में क्या होता है भी ये इन्फिनिटिव के अंदर घटता जाता है, अनावेशन, और ये आवेशन। आवेशन हो गया और अनावेशन हो गया। इस प्रकार का ग्राफ क्या है भी प्राप्त तो होता है आवेश तथा समय t के मध्य, ठीक है। अब देखिएगा भी अपने धारा तथा समय t के मध्य ग्राफ, ये तो हो गया चार्ज और समय t के मध्य। अब धारा तथा समय t के मध्य ग्राफ निकालते हैं। धारा आई तथा समय टी के मध्य ग्राफ, आवेशन की स्थिति के भी धारा तथा समय टी के मध्य जो ग्राफ खींचते हैं टी और धारा, आवेशन की कंडीशन के अंदर क्या होता है भी आई इक्वल टू आई जीरो ई के पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये ही होता है। टी बराबर जीरो पर धारा का मान ई की पावर जीरो वन आई इक्वल टू आई जीरो होता है, और टी बराबर इन्फिनिटिव पर आई इक्वल टू क्या है भी जीरो प्राप्त होगा। वैल्यू पुट करके देख लेना, तो यहां पे स्टार्टिंग अंदर आई जीरो क्या हो, टी बराबर जीरो की कंडीशन पर आई जीरो से और टी बराबर इन्फिनिटिव के अंदर इधर की तरफ जाएगा, ये क्या हो गया भी आपका आवेशन के समय। निरावेशन के समय जो ग्राफ प्राप्त तो होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा भी यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे माइनस, ये ही चेंज होगा, तो माइनस है आई जीरो से और ये अनावेशन,
या निराविश, ठीक है। ये हो गया अभी आपका धारा और समय टी के मध्य ग्राफ, ठीक है। क्लियर हो गया अभी आरसी परिपथ का व्यवहार आपने पढ़ा, भी संधारित्र जब रेजिस्टेंस कैपेसिटर और बैटरी को क्या है श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ते हैं कुंजी ए की सहायता से, तब क्या है संधारित्र चार्जिंग होता है, जब बैटरी को हटा लेते हैं तो क्या है वो डिस्चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाता है, किसकी सहायता से, रेजिस्टेंस की सहायता से। क्लियर है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है, 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, सरण विधि द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन, देखते हैं भी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सरण विधि द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन, सरण विधि द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन, सरण विधि द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात तो अपने सामने ये आती है भी सरण विधि के अंदर क्या है भी अपने उच्च प्रतिरोध की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। उच्च प्रतिरोध मीन्स भी हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को, किसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं भी अपने, हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या है भी फाइंड कर सकते हैं। उच्च प्रतिरोध मीन्स इसके अंदर या तो 10^6 ओम या 1 mega ohm भी इस विधि के अंदर क्या है भी 10^6 ohm या 1 mega ohm तक रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या भी फाइंड कर सकते हैं। और जो इसका उच्च प्रतिरोध का मापन है वो संधारित्र के अंदर जो आरसी परिपथ के आवेशन तथा निरावेशन की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। भी आवेशन तथा निरावेशन की कंडीशन क्या थी, भी आवेशन की कंडीशन के अंदर क्या था, Q=Q01T/RC, ये क्या था भी आपका आवेशन के समय था, और ये क्या था भी आपका निरावेशन के समय आवेश का मान था। ये तो क्या भी आवेशन के समय संधारित्र पर आवेश का मान था आरसी परिपथ के अंदर, और ये जो नीचे वाला फैक्टर प्राप्त होता था ये था भी आपका निरावेशन के समय संधारित्र पर आवेश का मान था, ये फर्स्ट मान दे दो आपका और ये सेकंड मान दे दो, ठीक है। क्लियर है यहां तक आपका। अब क्या है भी हम उसके आगे डिस्कस करते हैं। अब जो चार्जिंग होना और डिस्चार्जिंग होना प्रतिरोध के मान पे ऊपर भी डिपेंड करता है या समय कालांक के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसी इक्वल टू आरसी के ऊपर। कहने का मतलब है भी चार्जिंग स्टेप होना और डिस्चार्जिंग स्टेप होना इसके मान के ऊपर डिपेंड करता है कालांक, समय कालांक बोलते हैं इसको। तो इस इक्वल टू आरसी, जब ठीक है समय कालांक का मान कम होगा, जब क्या होगा भी समय कालांक का मान कब होगा, तब रेजिस्टेंस भी क्या होगा कम होगा,
और वहां पे संधारित्र के अभी अति शीघ्र आवेशित हो जाएगा। ठीक है, संधारित्र के अभी अति शीघ्र आवेशित हो जाएगा। अति शीघ्र आवेशित हो जाएगा और इतना जल्दी आवेशित होगा भी टी क्या होगा भी बहुत कम टाइम लगेगा या टी की गणना नहीं कर सकते किस प्रकार का समय के साथ बिहेवियर होता है। कहने का मतलब जब रेजिस्टेंस कम होगा ना अपना तो करंट को रोकेगा नहीं, करंट को नहीं रोकेगा तो वो जल्दी से कैपेसिटर के ऊपर पहुंच जाएगा और एकदम क्या हो जाएगा अभी चार्ज हो जाएगा और वहां पे टाइम के फैक्टर की गणना करना नामुमकिन है या टाइम के साथ किस प्रकार का बिहेवियर होता है उसकी गणना करना नामुमकिन है या टाइम के साथ किस प्रकार से आवेशन होता है उसकी गणना करना नामुमकिन है। और यदि तो इसी इक्वल टू ज्यादा है तो R क्या होगा, ज्यादा होगा और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो करंट को जाने नहीं देगा। रेजिस्टेंस वहां पे क्या काम करता है भी करंट को रोकने का काम करता है। रेजिस्टेंस क्या काम करता है वहां पे करंट को रोकने का काम करता है और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस का मान होगा वो उतनी ही करंट को क्या है भी प्रवाहित नहीं होने देगा। तो संधारित्र क्या होगा भी देरी से आवेशित होगा। संधारित्र क्या होगा भी आपका देरी से आवेशित होगा और इस फैक्टर के अंदर क्या है भी समय के अनुसार किस प्रकार का बिहेवियर होता है उसका पता लगा सकते हैं जब क्या हो बेउंच प्रतिरोध हो। बेउंच प्रतिरोध की कंडीशन के अंदर समय के अनुसार उसके बिहेवियर का क्या है भी हम पता लगा सकते हैं। क्लियर है? अब एक बात पड़ता है भी किसी संधारित्र के अंदर भी किसी संधारित्र के अंदर समय टी पर आवेश का मान क्यू है तो प्रक्षेप धारा मापी बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर की सहायता से क्या है भी हम आवेश क्यू का मान क्या है भी ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या बताता है, यदि बताता है भी किसी समय टी पर संधारित्र पर आवेश का मान क्यू है, किसी समय टी पर संधारित्र पर आवेश का मान क्यू है तो प्रक्षेप धारा मापी की सहायता से या प्रक्षेप धारा मापी के नियम से हम क्या है भी संधारित्र के अंदर आवेश क्यू की मात्रा को क्या है भी प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या होगा, क्यू आवेश की मात्रा डिपेंड करेगी भी अपना के थीटा 1 प्लस लैम्डा बाय 2, जहां पे के क्या है भी धारा मापी का प्रक्षेप नियतांक और लैम्डा क्या है भी आपका लोंगे रिथमीय अपक्षय नियतांक ये दो होते हैं भी। ये बताते हैं भी किसी समय टी पर संधारित्र पर आवेश क्यू है, किसी समय टी के ऊपर संधारित्र पर आवेश क्यू है और जब उस आवेश को प्रक्षेप धारा मापी में प्रवाहित करते हैं तो वहां पे वो क्या है भी प्रक्षेप मापी थीटा एंगल से क्या हो जाते हैं भी विस्थापित हो जाती है और उस कंडीशन के अंदर जो आवेश का मान होगा क्यू आवेश का मान होगा इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा जहां पे के थीटा क्या भी जितना विस्थापित हुआ है वो एंगल है, के क्या भी धारा मापी का प्रक्षेप नियतांक है और लोंगे और लैम्डा क्या है भी लोंगे रीथीय अपक्षय नियतांक है जो क्या है भी प्रक्षेप के अंदर जो त्रुटि आई है उसका निराकरण करता है। अब क्या है भी प्रक्षेप धारा मापी की का भी उपयोग करके
किसी प्रीपथ के अंदर उच्च प्रतिरोध का मापन किस प्रकार कर सकते हैं, आवेशन और निरावेशन की कंडीशन का भी उपयोग करके। तो देखिएगा, ये कोई बैटरी है, ये कोई क्या है भी आपका संधारित्र है, ये कोई पूंजी क्या है भी आपकी केवल है, ये पॉइंट मान लो क्या है भी आपका ए है, ये मान लो क्या भी आपका बी है, और ये क्या है भी आपकी प्रक्षेप धारा मापी बेलास्टिक गेल्वेनो मीटर, और यहां पे क्या है भी कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये क्या है भी आपकी पूंजी केटू है। ये चीज क्या है भी आपका डायग्राम है। अब यहां पे डायग्राम के अंदर क्या थोड़ा सा बता दें भी, ये क्या है भी एक कोई बैटरी है ई, ठीक है, सी क्या है भी ज्ञात धारिता का कोई संधारित्र है, ठीक है, आर क्या है भी अज्ञात प्रतिरोध है, आर क्या है भी इसके अंदर अज्ञात प्रतिरोध है, सी क्या है भी कोई ज्ञात धारिता का संधारित्र है, आर क्या है भी अज्ञात प्रतिरोध है, के टू क्या है भी एक कुंजी है, ठीक है, और ये कुंजी के टू क्या काम करती है भी, जो संधारित्र चार्ज होता है उसको प्रतिरोध के द्वारा क्या है भी, यदि के टू कुंजी को के टू को क्या है भी जोड़ देते हैं तो ये क्या है भी इसके आवेश के मान को, संधारित्र के उपस्थित आवेश के मान को प्रतिरोध के द्वारा कम करने का काम करती है। केवल यहां पे द्विव मार्गी कुंजी है भी, केवल यहां पे क्या है भी आपकी द्विव मार्गी कुंजी, या इसे मोर्स कुंजी बोलते हैं, जो यहां पे क्या काम करती है, यदि K1 को A बिंदु से जोड़ देते हैं तो यहां पे जो संधारित्र है वो क्या हो जाता है भी आपका आवेशित होना स्टार्ट हो जाता है, और इसको क्या है भी B पॉइंट से जोड़ देते हैं तो संधारित्र पर जो आवेश है वो क्या है भी प्रक्षेप धारा मापी से गुजरता है, जो कितना विस्थापित होता है उसके बारे में क्या है भी ये बता देती है। तो देखिएगा, अभी स्टार्ट करते हैं इसकी प्रक्रिया को। सर्वप्रथम कुंजी के टू को खुला रखकर, सर्वप्रथम कुंजी के टू को खुला रखकर K1 को A से जोड़ते हैं, केवल सर्वप्रथम क्या है भी कुंजी K2 को खुला रखकर कुंजी K1 को बिंदु A से जोड़ते हैं, जोड़ने के पश्चात ये सर्किट होगा आपका, ठीक है, ये तो खुला ही है, ये भी खुला ही है, ये जोड़ते हैं, जोड़ने के पश्चात बैटरी से क्या है भी धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण संधारित्र क्या हो जाता है भी का आवेशन होना स्टार्ट हो जाता है, या संधारित्र के ऊपर क्या है भी आवेश की मात्रा में वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है। और एक ऐसी कंडीशन आती है, एक ऐसी कंडीशन आती है जब संधारित्र पर जो विभवांतर है वो इस बैटरी के विभवांतर के या विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है, और उस कंडीशन के अंदर परिपथ में धारा का प्रवाह है बंद हो जाता है, और यदि उस कंडीशन के अंदर संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्या है भी Q0 है और विभवांतर V0 है तो संधारित्र पर आवेश का मान
आवेश का मान क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्या होता है अभी Q अपॉन V होता है, Q इक्वल टू क्या होता है अभी सी वी होता है, Q जीरो है और ये C जीरो है, या धारिता क्या है संधारित्र C है, तो ये हो जाएगा संधारित्र पर आवेश का मान Q जीरो इक्वल टू सी वी जीरो। दोबारा देख लीजिएगा, जब कुंजी के टू को खुला रखते हैं और कुंजी के वन को बिंदु ए से जोड़ते हैं, ए से जोड़ने के बाद परिपथ में धारा का प्रवाह है होता है, ठीक है, जब क्या संधारित्र का आवेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और एक ऐसी कंडीशन आती है जब संधारित्र के सिरों पर जो विभवांतर और बैटरी के विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है, तब परिपथ में धारा का प्रवाह है बंद हो जाता है। यदि उस कंडीशन के अंदर संधारित्र पर आवेश क्या है भी क्यू जीरो है, विभवांतर वी जीरो है, तो संधारित्र पर आवेश का मान इस फॉर्मूला की सहायता से हम क्या है भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपका। अब देखिएगा, अब कुंजी क्या है भी K2 को तो खुला ही रखते हैं, केवल कुंजी को बिंदु क्या है भी B से कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या है भी कुंजी K1 को तो क्या है भी खुला ही रखते हैं, बट सॉरी K2 कुंजी को क्या है भी खुला रखते हैं और K1 कुंजी को क्या है भी बिंदु B से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या है भी संधारित्र की जो प्रक्षेप धारा मापी का विप्रक्षेप धारा मापी के अंदर क्या है भी आवेश का क्या होता है भी प्रवाह होता है भी। ये खोल दिया तो यहाँ पे जो आवेश क्या है भी यहाँ पे Q0 आवेश है इसके ऊपर है, तो इससे क्या है प्रक्षेप धारा मापी में क्या है भी आवेश प्रवाहित होता है, K2 कुंजी खुली है और जो प्रक्षेप धारा मापी में आवेश प्रवाहित होता है तो उसके अंदर क्या होता है भी Q0 आवेश प्रवाहित हो रहा है, Q0 आवेश प्रवाहित हो जा रहा है तो थीटा जीरो विक्षेप आ जाता है। ठीक है, वहां पे Q के अंदर थीटा विक्षेप माना था, यहाँ पे Q0 प्राप्त हो रहा है तो थीटा जीरो विक्षेप आ जाता है, तो Q0 CV0 के बराबर ही होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा भी आपका K थीटा जीरो वन प्लस लेमडा बाई टू, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर, इसको एक देता। ठीक है, ये ही होगा जब प्रवाहित होता है तो वहां पे जो आवेश का मान होगा इस फैक्टर के ऊपर क्या है भी डिपेंड करता है। क्लियर है यहां तक आपका? अब देखिएगा, अब पुनः कुंजी K2 को खुला रखते हुए, ठीक है, K2 को खुला रखते हुए अब पुनः कुंजी भी यहां तक हो गया, अब पुनः कुंजी K2 को खुला रखते हुए K1 कुंजी को A पॉइंट से क्या है भी जोड़ देते हैं, K1 कुंजी को क्या है भी A पॉइंट से जोड़ देते हैं, A पॉइंट से जोड़ने के बाद ये खुली है और इसको क्या है भी A पॉइंट से जोड़ देते हैं, तो यहां पे क्या है भी फिर संधारित्र क्या हो जाता है भी चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, फिर संधारित्र क्या हो जाता है भी आपका चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, और ऐसी कंडीशन माने जहां पे क्या है भी दोनों का विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है भी विभवांतर बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर इसके ऊपर आवेश का मान मान लो क्यू जीरो, विभवांतर मान लो वी जीरो, और धारा मान लो भी जब फुल चार्ज हो जाता है दोनों के विद्युत वाहक बल बराबर हो जाते हैं तो धारा क्या हो जाती है भी शून्य हो जाती है, तो यहाँ पे फुल क्या हो गया भी फुल चार्ज हो गया। अब इसको फुल चार्ज होने के बाद इस कुंजी को हटा देते हैं, फुल चार्ज होने के बाद क्या है भी इसको हटा देते हैं, फिर इसको क्या है भी K2 कुंजी को क्या है भी जोड़ देते हैं भी, इसको क्या है भी यहाँ पे ये कुंजी थी इसको क्या है भी इससे जोड़ देते हैं, जोड़ने के पश्चात क्या है भी इस संधारित्र पर जो आवेश है उसका क्या होता है भी प्रवाह होता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है भी उसके संधारित्र का जो आवेशन होता है उसके मान में कमी करने का प्रयास करता है। ये चीज अपने संधारित्र के अनावेशन की कंडीशन के अंदर हमने क्या है भी अच्छे से डिस्कस की थी भी, यहाँ पे जो संधारित्र पर जो आवेश का मान है Q0 ये रेजिस्टेंस क्या है भी उसको कम करने का प्रयास करता है, और हम तीस में समय बार देखते हैं भी संधारित्र पर आवेश का मान घटकर क्या हो जाता है वे क्यू हो जाता है, संतीस में बाद देखते हैं तो संधारित्र पर आवेश का मान घटकर क्या हो जाता है भी क्यू हो जाता है, और उसी टाइम पर विभवांतर क्या हो जाता है भी
वी हो जाता है। भी आवेश का मान चेंज होगा तो विभवांतर क्या हो जाएगा, भी आपका चेंज हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर संधारित्र पर आवेश क्यू है और विभवांतर क्या है, भी आपका वी है। तो आगे देखते हैं भी, अब क्या है भी उससे आगे देखते हैं। तो यहां पे क्या है भी, संधारित्र पर आवेश Q है और विभवांतर क्या है भी आपका V है। अब क्या है भी, इस कुंजी को वापस खुला रख देते हैं और इसको क्या है भी B से जोड़ देते हैं। B से जोड़ने के बाद क्या है भी, प्रक्षेप धारा मापी में क्या है भी, आवेश का प्रवाहित हो रहा है। इस कंडीशन के अंदर आवेश क्या है भी, क्यू प्रवाहित हो रहा है तो सीवी होगा, और इसके अंदर Q प्रवाहित हो रहा है तो थीटा विक्षेप मानो, तो ये क्या हो जाएगा भी आपका K थीटा 1 प्लस लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। क्लियर है यहां तक आपका? अब Q की वैल्यू पुट कर दो, Q0 e की पावर माइनस t अपॉन आर सी, तो यहां पे पुट करेंगे तो Q0 e की पावर t अपॉन आर सी k थीटा 1 प्लस लैम्डा बाई 2, समीकरण नंबर 3। ठीक है, Q की वैल्यू पुट कर दी। समीकरण 2 में, समीकरण 2 भाग 3, Q0 e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी के थीटा 0 1 प्लस लैम्डा बाई 2 के थीटा 1 प्लस लैम्डा बाई 2 के से के 1 प्लस लैम्डा बाई 2 1 प्लस लैम्डा बाई 2 Q0 से Q, तो e की पावर टी अपॉन आर सी थीटा 0 अपॉन थीटा, ये प्राप्त हो गई आपके सामने। ठीक है, इसका लॉग ले लो, t अपॉन आर सी लॉग e थीटा 0 अपॉन थीटा, ये चीज क्या होगी भी आपके सामने प्राप्त हो गई। अब यहां से क्या है भी, r फैक्टर की वैल्यू निकाल लो, r की वैल्यू क्या आ जाएगी भी, सी लॉग ई थीटा 0 अपॉन थीटा, लॉग ई को लॉग 10 के अंदर चेंज करेंगे तो आर इक्वल टू टी सी 2.303 लॉग 10 थीटा 0 अपॉन थीटा, ये चेंज हो जाएगा। और इसका 0.4343 टी सी लॉग 10 थीटा 0 अपॉन थीटा, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या है भी, आप सरण विधि द्वारा उच्च प्रतिरोध का क्या भी आप मापन कर सकते हो। यहां से R की वैल्यू क्या है भी, ये वैल्यू आई, तो जो सरण विधि द्वारा जो टाइम टी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, ज्ञात संधारित्र की कोई धारिता है C के भी लोग थीटा 0 और थीटा क्या भी वहां पे विक्षेप है, इस फॉर्मूला की सहायता से क्या है भी, सरण विधि द्वारा आप उच्च प्रतिरोध का मापन ज्ञात कर सकते हो। प्रक्षेप धारा मापी हो गया, द्विमार्गी कुंजी के बारे में ये बताता हूं, जो कुंजी क्या है भी, कुंजी को जोड़ने एक इस पॉइंट से जोड़ने पर या इस पॉइंट से जोड़ने पर दो मार्गों में जाती हो या दो प्रकार का व्यवहार करती हो, उस कुंजी को क्या है भी, द्विमार्गी कुंजी कहते हैं। आज के लिए क्या भी इतना ही। सरण विधि द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए क्या भी अच्छे तरीके से इसको पढ़ लें।